ज्यादा हो। मुझे कौन ग्राउंड एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। जो कुछ भी हुआ वो शायद गलत है, पर असली कहानी वहीं से शुरू होती है। तुम्हें खुद जाके ढूंढनी होगी। तुम दुनिया के सामने सच्चाई जाहिर क्यों नहीं करती? इस सब का क्रेडिट ऐसे लोगों को मिल रहा है जो उसके लायक नहीं। कितनी कमाई करती हैं अल्लू अर्जुन की फिल्में? कैसा रहता है अल्लू की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस रिस्पॉन्स? A21 की शूटिंग कब से होगी शुरू? हेलो और नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज जहाँ हम आपके लिए लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स, तो आपको हम बताएंगे कि कैसी रही है सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की लास्ट कुछ फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, ऑडियंस कितना करती है उनकी मूवीज को पसंद, और जानेंगे कि A21 की शूटिंग कब से शुरू होगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर बात करें 12 जनवरी 2020 में आई फिल्म अला वैकुंठपुरमुल्लू की, तो इस मूवी में अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट पूजा हेगड़े को कास्ट किया गया है। लोगों ने इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन काफी पसंद किया और 100 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी की ओवरऑल 233 करोड़ की कलेक्शन रही थी। इस मूवी को नंदी अवार्ड विनर श्रीनिवास ने डायरेक्ट किया है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस। ये मूवी 200 करोड़ के बजट में बनी और ऑडियंस ने इस मूवी को एवरेज रिस्पांस दिया। कुछ लोगों ने मूवी को बहुत पसंद किया तो कुछ ने मूवी को एवरेज बताया और कुछ ने तो ये भी कह दिया था कि अल्लू अर्जुन और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। पुष्पा द राइस की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 384 करोड़ रही थी। इस मूवी में अल्लू अर्जुन के साथ मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और समांता रुद्र प्रभु को कास्ट किया गया था। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुष्पा 2 की शूटिंग पहले ही शुरू कर दी गई थी, मगर KGF 2 के बेहतरीन रिस्पांस को देखते हुए पुष्पा 2 की शूटिंग अभी रोक दी गई है, क्योंकि फिल्म मेकर्स पुष्पा 2 की स्क्रिप्ट को कुछ अपडेट करना चाहते हैं। मगर पुष्पा 2 की शूटिंग 2022 में ही पूरी कर ली जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों कि इस 400 करोड़ के बजट में बन रही मूवी को ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स देती है। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 की शूट खत्म करने के साथ अपनी मोस्ट टॉक फिल्म आइकन की भी शूट शुरू कर देंगे। एक रोमांटिक एंटरटेनमेंट फिल्म होगी जिसे वेनु श्रीराम डायरेक्ट करने वाले हैं। अब अल्लू अर्जुन की इस मूवी पे उनके फैंस का रिस्पांस कैसा रहता है ये तो मूवी के देखने के बाद ही पता चलेगा। आइकन की शूट खत्म होने के बाद अल्लू A21 की शूट शुरू कर देंगे और इस मूवी में अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े और मुरली शर्मा नजर आएंगे। इस मूवी को कोर्तला सिवा डायरेक्ट कर रहे हैं और इस मूवी को लेके ट्विटर पर भी काफी एक्साइटमेंट है। अब अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग और उनकी लेटेस्ट कुछ मूवीज की परफॉर्मेंस को देखें तो उनकी मूवीज की परफॉर्मेंस जबरदस्त ही होगी। ये मूवी 2023 के एंड तक रिलीज हो सकती है। अगर आप A21 के बारे में कोई और भी अपडेट चाहते हैं तो मेक श्योर आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में ही। हमारे आज के राइटर हैं दोस्तों फिरदौस खान।